गलत ले गया। हो जाता है यार, ये भी हो जाता है। दो रंग की रोड देखी आपने कभी? ये देखो, दो रंग की रोड। ये तो कार को दो मिनट में सेक देगी। ओ भाई साहब, बस में धुआं देखो जरा, क्या आग लग गई है क्या? तो पूरी की पूरी होंडा सिटी का पहिया ही अलग हो गया क्या? हाँ, पहिया टूट गया भाई उसका। वेल हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो मॉर्निंग हुई नहीं है, मैं अभी कानपुर में हूँ। टाइम हो रहा है अभी 2:31। बाइक अपनी बिल्कुल रेडी है, पैनियर्स लोड कर दिए, सब कुछ साफ कर दिया। अभी कानपुर से आज निकलने का टाइम है। 3 दिन हो गए मेरे को कानपुर आए, बहुत फ़न किए, तो अब फाइनली निकलते हैं। अभी ऊपर चलते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद जो है चाय पी के निकलते हैं सीधा दिल्ली। 2:30 बजे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको पता ही है। तो अभी क्या 10:30 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब गुड़गांव। तो रास्ते में थोड़ा रुकने का भी टाइम मिल जाएगा, सब रेडी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक अपनी बिल्कुल चकाचक है, कानपुर का टूर बहुत ही अच्छा रहा। बस अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर आपसे सीधा बाइक पे मिलते हैं आके। हाँ, बाय बाय। चलो भाई, अभी टाइम है 2:56। आज तो टाइम से बहुत ही पहले निकल गए। अभी तो कानपुर की गलियाँ बिल्कुल खाली पड़ी होंगी। तो भैया फिर से स्वागत है आपका बिल्कुल फ्रेश नए व्लॉग में। अपना कानपुर शहर यार आज छोड़ के जाने का दिन हो गया। और ये ना मेरे पैनियर, जब मैं टॉप बॉक्स लगा रहा हूँ तो थोड़ी सी वॉबलिंग, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा वॉबलिंग आ रही। दिस आई हैव टू सी कि इशू क्या है। फिलहाल पेट्रोल बिल्कुल भरा हुआ है, ट्रिप मीटर मैंने 0 कर दिया है और अब बस निकलते हैं। रात हो रखी है, 5:30 बजे उजाला हो जाता है, तब तक मैं काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लूँगा, यही प्लान था। तो आराम से बिल्कुल चलते हैं और मज़े करते हैं। तो जो हाईवे है वो मेरे घर से बिल्कुल पास ही है। कानपुर में एक्चुअली एक फ्लाईओवर, बाईपास फ्लाईओवर बना है जो पूरा कानपुर आपको क्रॉस करा देता है और फिर आप जो है इलाहाबाद कोलकाता तरफ साइड पे निकल जाते हो। तो उसका एक ही एग्ज़िट है बीच में और वो मेरे घर से बिल्कुल ही पास है, तो अपन अभी उसी में चढ़ जाएंगे। ये आ गया हाईवे, तो अभी ऊपर चढ़ जाएंगे हम, तो बड़ा आराम हो जाता है, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है शहर में। वैसे इस रात में नीचे भी जाम नहीं रहता, बट ऊपर तो बिल्कुल ही मस्त रहता है। तो बस यहाँ से हमने, और एग्ज़िट भी उसी तरफ है। अब हम हाईवे चढ़ गए, पूरा कानपुर क्रॉस हो जाएगा हवा हवा में। ओह, सुबह सुबह बाइक चलाने में यार मज़े आते हैं। तो अभी थोड़ा उजाला होने का वेट करते हैं, उसके बाद अच्छे से व्लॉगिंग भी करेंगे और मस्त बातें भी करेंगे। तो भाई 2:55 पे बाइक स्टार्ट करी थी, 3:54 हो गया, मतलब 355 यू कैन से, एंड वी हैव कवर्ड 93.7 किलोमीटर्स, दैट्स इम्प्रेसिव। अभी मैंने 1000 लाइट जला रखी, काफ़ी अंधेरा रहा, तो मेरे को लगा भाई कोई पीछे से चूम ना ले आके हमको, इसलिए। तो इस सफ़र में नींद कुछ ऐसा खो गई, हम न सोए रात थक के सो गई। वाह वाह वाह, मेरा लिखा नहीं है ये, किसी और का लिखा है। रफ्तार, अभी उजाला उजाला तो हुआ नहीं है क्योंकि अभी जो 4 भी नहीं बजा है, तो 1-1.5 घंटे बाद आई थिंक उजाला होगा। 5 बजे के आसपास थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लग जाती है, ये बात तो है। तो फिर जब उजाला होगा तब थोड़े और मजे आएंगे, कुछ नज़ारे दिखेंगे, अभी तो अंधेरा है, बस चलाते रहो तन तन। एक छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू पानी ब्रेक ले लेते हैं, पानी पीते हैं, अभी बहुत ज़्यादा। अरे यार ये कैसा बाइक लेन बनाई इतनी पतली से, यो तो गलत है जी, रोड कहाँ है। 5-10 मिनट का ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, 122 किलोमीटर्स हो गए हैं। फिर टोल के बाद यार खड़े हुए थे 5-10 मिनट के लिए, रेस्ट मार रहे थे, ये खड़ी अपनी बाइक। मैंने अभी ना लाइट बंद कर दी नहीं, जितने लोग आ रहे थे ना सब देखते हुए जाते हैं, तो रात है तो थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही फन आ रहे हैं, पता नहीं मेरी शक्ल क्या ही आएगी, बट आई एम रियली रियली इन्जॉइंग यार। नाइट राइड का अपना मज़ा है, थोड़ा रिस्की है, अगर आप ग्रुप में हो तो इट्स वेरी वेरी गुड, अलर्ट रह के जाना चाहिए। और मस्त है यार सब माहौल, बहुत ही सही है। तो बस अब निकलते हैं,
ड्राइव सेफली, राइड सेफली, बिल्कुल सर जी सेफली चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी रात में ना कीड़े नहीं उड़ रहे हैं, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने देखो विंडशील्ड अभी बिल्कुल साफ है जबकि मैं 100 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये वो होटल है कानपुर से 166 किलोमीटर दूर जिस पर हम लोग हर बार रुक के चाय वाय पीते थे, तो यहाँ रुकते हैं एक बेहतरीन सी चाय पीते हैं। 166 किलोमीटर की राइड हो गई है कंप्लीट, तो पहला बड़ा ऑफिशियल ब्रेक है। 4:55 इज द टाइम। भैया चाय मिल जाएगी, एक चाय करा दो, चाय कर दियो। चीनी यार कम रखना ठीक है, और अदरक हो तो डाल देना चीनी मतलब। तो भाई अपनी चाय आ गई बेहतरीन, और ये कुछ बस से लोग आए हैं और वहाँ पे भैया लोग खड़े हो गए हमारी बाइक की इंक्वायरी कर रहे हैं, भैया कितने की है, कहाँ से घूमा है, क्या कर लिया, सब पूछते रहते हैं लोग। सुबह हो गई भाई साहब, सुबह हो गई, टाइम हो गया 5:26, काफ़ी देर रुक गए, भाई लोगों से बात करने लगे थे, कानपुर के ही हैं अपने भाई लोग, तो अच्छे से बातचीत करी, थोड़ा रेस्ट भी मारना ही था, रेस्ट मार लिया, अब यहाँ से निकलते हैं और चढ़ते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। चलो सर जी बाय बाय, अब अपनी गाड़ी निकलती है और साइड में चल रही है ट्रेन। सुबह हो जाती है तो थोड़ा सुकून मिलता है यार, लंबा ही ब्रेक हो गया यार कुछ बातों बातों में पता नहीं चलता, लेकिन सफ़र का यार यही तो मज़ा होता है, आपको नए लोग मिलते हैं, आपको पता चलता है लोगों के बारे में, काफ़ी कुछ इन्होंने बताया, काफ़ी कुछ मेरे से जाना, ऐसे ही कट जाता है सफ़र। सफ़र का ही था मैं, सफ़र का रहा। काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए रेस्टोरेंट खुल गए हैं श्री लक्ष्मी, ये जो है सागर वाला तो काफ़ी अच्छा है, अब रफ्तार पकड़ते हैं। यहाँ मैं इसलिए भी रुक गया था क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे जितना मैं कवर करूँगा पार्ट 75 किलोमीटर्स, उतने में कोई ढाबा वाबा नहीं है, फिर उसके बाद आगरा क्रॉस करके जब यमुना एक्सप्रेस वे आएगा तब जाके ढाबा मिलता है, वो भी 20-25 किलोमीटर बाद, तो फिर मेरे को 100 किलोमीटर और चलानी पड़ती बाइक, 100 नहीं इनफैक्ट 125 किलोमीटर, क्योंकि ये रास्ता भी अभी है 25-30 किलोमीटर का, इसलिए आई डिसाइडेड कि यहाँ रुकते हैं, मस्त सुबह हो जाएगी, थोड़ा चिल हो जाएगा, अभी व्लॉगिंग में भी मज़ा आएगा, क्या बोलते भाई लोग, क्या बोलते पब्लिक। बाकी यार वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहा करो यार, अगर अच्छे लगे तो हैं, अपना भी थोड़ा दिल बना रहता है, दिल लगा रहता है व्लॉगिंग में। एक से दस बस पे ये बाइक इतनी मक्खन हो जाती है ना, कसम से मज़ा आता है। तो यहाँ से अभी एग्जिट ले लिया है, आई बिलीव मैंने मैप नहीं लगा रखा है, बट यहीं से लखनऊ का रास्ता कटता है आगे, लखनऊ का नहीं मतलब लखनऊ एक्सप्रेस वे का, गलत ले गया हो जाता है यार, ये भी हो जाता है, कोई बात नहीं, नीचे भी खाली है सर्विस लेन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कटते हैं, चढ़ते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। वो अरे भाई साहब ये रोड कट सी गई है, मतलब देख रहे हो इतने हैवी लोडेड ट्रक्स जाते हैं कि रोड को काट दिया है, बीच से एक तरफ दब गई, साइड में ऐसे उछल गई है हॉर्न दे देते हैं भैया, हॉर्न भैया आगरा तक का बना दो यार। लो भाई हो गया काम अपना, चढ़ चुके हैं, हट जा रे ट्रक वाले ताऊ, अब आएगा अच्छा और बोरियत से भरा रास्ता। आगरा इज 88 किलोमीटर, इस रोड पे आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, माइलेज एकदम से कम हो जाता है। क्या व्यू है, क्या माहौल है, सुबह सुबह की ठंड है और मज़े हैं राइडिंग के भैया, यही राइडिंग के मज़े हैं। देखो तो मैं वॉबल दिखाएं आपको कितना होता है वॉबल, अभी देखना मैं हैंडल छोड़ूंगा, ये देखो पूरा हिल रही है बाइक, तो मेरे को टॉप बॉक्स की कुछ सेटिंग जो है देखनी पड़ेगी। दो रंग की रोड देखी आपने कभी, ये देखो दो रंग की रोड एक इधर अलग कलर, एक इधर अलग कलर, रोड भी मतलब फैशनेबल हो गई आजकल, ऐसा नहीं है हल्के मतलब। टाइम हो गया सुबह का 6 किलोमीटर का, 2:20, मज़े आ रहे हैं भैया, मज़े आ रहे हैं। एक्चुअली ये वाला पार्ट बना दिया है इन्होंने फिर से, ख़राब हो गया, ट्रक्स कई बार ओवरलोड ट्रक निकल जाते हैं, तो ये अभी पुराना पार्ट है, क्योंकि इस रोड पे इस लेन पे ट्रक्स कम चलते हैं, ट्रक चलते हैं बीच वाली लेन पे सबसे ज़्यादा, तो वो ख़राब हो गई थी तो उन्होंने फिर से बना दी। पूरी राइड में अभी तक पहली बार ये बाइक वाले राइडर मिले हैं जो हमारे आगे जा रहे हैं, नहीं तो अभी तक गाड़ी कोई बाइक नहीं मिली थी मेरे को उसमें नीटी। और भाई सफ़र का पूरा मज़ा आ रहा है, एक नंबर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अब ख़त्म होने वाला है, सनराइज हो चुका है बढ़िया,
लेकिन आज ना उतना फोर्स नहीं है सन में। दिल्ली NCR के पास आते जाओ ना तो सन भी थोड़ा बुझा बुझा सा हो जाता है। एनीवेज यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया, अब हम आ गए हैं लिंक रोड में जो कि दो एक्सप्रेस वेज को कनेक्ट करती है। बाइक लेन भरते हैं भैया पैसा। पैसवा देना पड़ेगा पैसवा। काफ़ी देर हो गई चलाते चलाते, अभी मैंने ध्यान दिया 120 किलोमीटर मैंने बाइक चला दी है, तो आगे एक जलपान ग्रह आ रहा है, थोड़ी बाइक भी साफ़ कर लेंगे क्योंकि विंड सीट बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और चाय साय पी लेते हैं, ब्रेकफास्ट तो मैं गुड़गांव जाके ही करूँगा अच्छे से। अरे यहाँ तो ठीक ठाक रेस्टोरेंट, ना ना एक ही यही है, एक और आगे अच्छा है बट वहाँ नहीं जाएंगे, अपन यहीं रहेंगे। यार भीड़ बहुत होती है यहाँ एक्सप्रेसवेज में, बस एक दिक्कत है। साइड में लगाते हैं बाइक अपनी सो दैट किसी को ज़्यादा टुई फुस करने का मौका ना मिले। यार अंकल जी बाइक 7 लाख की है। 7 लाख की है? हाँ जी। होंडा की? होंडा की। होंडा भी महंगी बाइक निकाल रहा है। हाँ जी। ये तो कार को 2 मिनट में सेक देगी। हाँ कर तो देगी। देना कंप्यूटर आ जाएगी, भाग नहीं जाए। अरे हाँ ये ऑटोमेटिक चलते, पैर से डालने पड़ते। नहीं नहीं पैर से डालने पड़ते। भाई अपनी चाय आ गई, चुपचाप बाइक के बगल में खड़े होकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। ओए क्या सही, जितनी बार मैं अपनी बाइक देखता हूँ ना मेरा दिल खुश हो जाता है। यहाँ ना दो तरह के पानी मिलता है, एक इतना ठंडा कि आप पी नहीं सकते, दूसरा इतना गर्म कि वो भी आप पी नहीं सकते, तो कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसको अपने गर्म वाले में अभी मिक्स करते हैं फिर पीते हैं, सब हो गया काम, अब यहाँ से निकलते हैं। कैमरा एंगल चेंज, नेक्स्ट स्पेल की तैयारी करते हैं। 287 किलोमीटर बाइक चल चुकी, टाइम हो गया 7:26। मजे आ जाते हैं जब थोड़ी देर रेस्ट मार लो उसके बाद बाइक चलाने में। मैंने बिल्कुल कोने में खड़ी करी थी बाइक, फिर भी बहुत सारे लोग आ गए। तो सही है, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे गुड़गांव। 10 बजे ही मेरा टारगेट था कि 10 बजे तक गुड़गांव पहुंचना है कैसे भी, एंड वी विल रीच देयर। कई सारे बाइकर्स निकल गए जूप जूप करके, बाइक मैंने साफ कर ली, विंडशील्ड देखो चमक रही है बिल्कुल, अपना पेट्रोल आई थिंक इतना है कि बड़े आराम से जो है गुड़गांव तक पहुँच जाएंगे। चार सौ किलोमीटर पूरे होने वाले हैं, टाइम हो रहा है 8:23। क्या बात है, बिल्कुल समय पे। बोर हो गए यार बाइक चला चला के सही में। कुछ है ही नहीं यार इस हाईवे में, भगाते चले जाओ। कितना भगाया आदमी यार, बोर हो जाता है, कोई राइडर भी नहीं है साथ में, नहीं किसी से बात करते चले जाओ। पहली बार मैं सोलो राइड कर रहा हूँ तो मतलब सही में बोर हो गया मैं बुरी तरीके से। पूल बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा रुकते हैं। आखिरी टोल यमुना एक्सप्रेसवे का, इसके बाद 35 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे रह गया। और अभी भी मेरे को याद आया कि एक वीडियो जो मैंने डाला था उसका यार थंबनेल नहीं बनाया, तो रुकना तो नहीं था बट रुक जाएंगे अभी थोड़ा सा, यहाँ ब्रेक लेंगे। राधा रानी पराठा नेशन चाइनीज चैट्स, काफ़ी कुछ अवेलेबल है भाई यहाँ तो। लेट्स सी है कहाँ, अरे तो पार्किंग में घुस गया क्या मैं, आउटलेट्स कहाँ है, अच्छा उधर है। ओह माय गॉड आई मेड अ मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। कोना पकड़ते कोने पे लगाते हैं जाके अपनी बाइक की। ओक आखिरी ब्रेक, हाँ घड़ी यार बंद कर दी थी मैंने, नहीं डिस्चार्ज हो जाती है जलती रहती, इसको ऑन कर लेते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्विच इट ऑन। तो फाइनली वीडियो एडिट कर लिया, टाइम हो गया 9:27, अभी बहुत किलोमीटर्स जाने हैं यार, पेट्रोल भी भराना है भैया, देख लो क्या क्या नहीं करना पड़ता, सड़क पे वीडियो एडिट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं यार, अब लास्ट स्ट्रेच है, घर पहुँचना है। 399 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर और बाइक चलानी है लगभग, 9:27 हो गया, तो देखते हैं कितना फ्यूल चल जाता, नहीं तो भरा लेंगे। वीडियो काम हो गया, आधे घंटा लग गया रहा हूँ वीडियो काम करने में बट हो गया फाइनली,
तब निकलते हैं, सब कुछ रेडी है। ओ भाई साहब, बस में धुआं देखो जरा, क्या आग लग गई है क्या? बाप रे, इतना धुआं दे रही है बस ये। खतरनाक, मतलब पूरे बस के पीछे सिर्फ धुआं ही धुआं निकल रहा है और कुछ है ही नहीं। भयंकर, इसका पोल्यूशन चेक कराने जाओ तो वो देगा ही नहीं, जब्त कर ले, बोला रखो भैया ये तो इतना पोल्यूशन दे रही है। सही में यार, ऐसी बसों को रोड पे नहीं चलने देना चाहिए। एक तरफ यहाँ लोग इतना परेशान है, गर्मी बढ़ रही है, वो सब हो रहा है, ऊपर जो ऐसा धुआं। पेट्रोल यार चल जाएगा, मेरे को लगता नहीं भराने की ज़रूरत है। आई थिंक 10:30 बजे तक मैं गुड़गांव, नहीं नहीं 10:30 तो नहीं पहुंच पाएंगे, अब तो 11 पहुंचेंगे। 100 किलोमीटर चलना है यार अभी तो। अभी तो दिल्ली भी क्रॉस करना है भाई, दिल्ली की बिल्लियां क्रॉस करनी है। लो भाई, फ्यूल का सिर्फ एक पॉइंट रह गया और अभी भी हमें जाना है अराउंड 55 किलोमीटर दूर। तो एक काम करेंगे, नोएडा क्रॉस करते हैं, इस रोड पर तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं। दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट लेकर पेट्रोल डलवा लेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, कोई भरा लेना है। तब भगा के आया हूँ कि 25.8 का ही माइलेज दिया है भाई। भाई रोड में सांड दौड़ गए एकदम से, सारा ट्रैफिक रुक गया। आई एम फीलिंग हीट नाउ, पेट्रोल और ख़त्म हो गया भैया, क्या करें क्या करें। स्लो स्लो चला रहा हूँ मैं, माइलेज बढ़ रहा है। 25.7 से 26.1 पे आ गए, मैं अब 90 के ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ बाइक को। फाइनली एक पेट्रोल पंप मिल गया यार, बिल्कुल अब ब्लिंक होने की कगार पे आ गई थी बाइक। तेल भराते हैं, उसके बाद थोड़े स्पीड पकड़ेंगे बस, ठीक। लो यार टेंशन ख़त्म, पेट्रोल भर गया। 1 लीटर और होता, पता नहीं हो सकता ये भी चल जाए, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट अगर गुड़गांव हाईवे पे ख़त्म हो गया तो फिर कैसे मिलता। और मैं इतना स्लो स्लो आया हूँ ना, बहुत सारा टाइम लग गया दिल्ली में। नहीं तो पहले मैं 50-60-70 की स्पीड में आ गया था बाद में। भाई जाम लग गया, क्या हो गया ऐसा? इतने ऊपर फ्लाईओवर में जाम लग जाता है ना तो गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया क्या इस हाईवे पे दिल्ली से गुड़गांव वाले में? एक साइकिल भी अगर ख़राब हो जाए ना, जाम लग जाता है भाई तुरंत। और अगर कोई बड़ी गाड़ी, अच्छा एक अलॉय व्हील यहाँ पड़ा तो है। ओ हो 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 हो, ये तो अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया भाई। ये तो पूरी की पूरी होंडा सिटी का पहिया ही अलग हो गया क्या? हाँ पहिया टूट गया भाई उसका, ऐसा भिड़ गई, पहिया ही अलग हो गया। एनीवेज 10:51 एंड वी आर 10 किलोमीटर्स अवे फ्राम अ ब्यूटिफुल होम। जल्दी से पहुँचते हैं यार, थक गए भाई। जल्दी आइडियल कंडीशंस में अगर आपको अच्छे से कंफर्टेबल राइड करनी है ना, तो इतनी जल्दी इतना डिस्टेंस कवर करना रिकमेंडेड नहीं होता, बट मैंने कर लिया गर्मी से बचने के लिए। नॉर्मली क्या होती है कि आपकी स्पीड एवरेज जो है वो 50 से 60 की एमपीएच आनी चाहिए पूरे दिन की। और यहाँ पर रोड इतनी चौड़ी हो जाती है ना, जितनी मर्जी भगा लो साला, कोई रोकने वाला नहीं, देख रहे हो। तो भाई एक और चिट्टू पिट्टू राइड हो गई कंप्लीट। तो ये छोटी मोटी राइड थी यार कानपुर की, अब जो राइड लगेगी वो बड़ी होगी, जिसका आप लोग इंतज़ार करते हो। ये राइड तो टेस्टिंग की थी, पैनियर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा, मेरे को बहुत मज़े आए और सबसे ज़्यादा बहुत आसानी रहती। बस एक ही दिक्कत है, माइलेज बहुत कम हो गया इससे, 3 से 4 का इम्पैक्ट आ गया माइलेज पे पैनियर्स से। तो आई होप आप लोगों को कानपुर सीरीज के ब्लॉग्स भी अच्छे लगे होंगे, 3 ही ब्लॉग्स आए वैसे तो, बट स्टिल आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। तो अगर वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि अगली राइड जो लगेगी वो धमाकेदार होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन एक मिनट टर्न मार ले जरा, बाय बाय एंजॉय।